नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं हर्ष तिवारी आपका बड़ा भाई आपके सामने आ चुका है आपके बहुत ही शानदार सेशन के अंदर तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जुड़ जाइए बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारी तरीके से इस बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर साथी चलो तो आपको मैं बता दूं देखिए आज हमारी जो क्लास होने वाली साथी हो बहुत ही हटके टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सबसे खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं अब हम देखिए आज जो टॉपिक बेटा लेने वाले हैं वो है चित्रकला के बारे में अबोरती पेंटिंग्स अब मुद्दा यह है कि ये जो टॉपिक है ना साथियों आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाता है कि बच्चे कभी इसको पढ़ के जाते ही नहीं है और मैं सत्य बता दूं कि आपने कितना कुछ पढ़ा होगा मैं नहीं जानता लेकिन आज आप फील करेंगे कि सर हमने ये टॉपिक तो इससे पहले इतने डिटेल से कभी नहीं पढ़ा है तो साथियों आज की ये जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो मैं चाहूंगा मेरे सभी छोटे भाई बहनों से कि आप सबके सब बच्चे इस क्लास को ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें ये क्लास वास्तव में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सही मायने में सीखने की दृष्टि से बेटा ये क्लास आपके लिए बिल्कुल नई होने वाली है आज जो आपको मैं कॉन्सेप्ट और आपको जो मैं बहुत सारे तथ्य बताने वाला हूँ ये तथ्य आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे और यकीन मानेगा कि आपके जितने भी अभी तक एस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं चित्रकला से वो सारे के सारे बच्चे मैं बहुत डिटेल से बहुत कंसेप्ट बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया है जो आपको बेटा मिलने वाली है तो क्लास को शुरू करने से पहले बेटा मैं थोड़ी सी बात ही

कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि युद्ध की तैयारी हमेशा युद्ध से पहले की जाती है तो यही सही समय है अपनी तैयारी को पूर्ण करने का और आपको मैं क्लियर कर दूं कि भारत में आने वाले सभी रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए साथियों आपको अलग से पढ़ने के लिए या अलग से बैचेस के लिए आवश्यकता नहीं है आप एक बैच के माध्यम से ही बहुत ही शानदार सबसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो जुड़िए आज ही हमारे रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में साथियों बहुत ही शानदारी बैच है जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको आरपीएफ एलपी टेक्नीशियंस आर एन टीपीसी ग्रुप डी पैरामेडिकल्स जी इन सबकी प्रिपरेशन होने वाली एक ही बैच के अंदर और इसी तरह से बच्चे आप एसएससी की प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारे एसआरबी बैच के अंदर और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं साथियों तो वो जुड़िए हमारे एसएससी जीडी के हुंकार बैच में क्लियर सारी बातें आपको बेटा मैं क्लास में छोटी सी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी यूट्यूब क्लासेस चल रही है इन सभी यूट्यूब क्लासेस की बेटा जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आप जहां पे कमेंट कमेंट खेल रहे हैं वहां पर बेटा आपको से लिंक लिंक नजर आ रही है और इस लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको आपको पे लिंक पर पर क्लिक करने पर आपको चैनल मिलेगा हो चुकी है, क्लियर। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर करें और एक बार बेटा मेरे सभी के सभी छोटे भाई बहन पे लिख दे कॉमेंट के अंदर राधे 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 तो करते हैं इस क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरू तो मैं चाहता हूं साथियों कि मेरे सभी छोटे भाई बहन इस क्लास को एक बार शेयर करें और कमेंट में धड़ल्ले से बार लिखें जल्दी से राधे 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 हम फिर बेटा क्लासों करते हैं शुरू और बहुत ही शानदार बहुत ही कतई जर वाली हमारी ये जो क्लास है बेटा आज की होने वाली है तो मैं कर रहा हूँ बेटा आपके बहुत ही शानदार यहाँ पे कॉमेंट का इंतजार चलिए तो सभी को बेटा राधे राधे सभी को प्यार भरा नमस्कार है चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की पहली क्लास को बहुत ही बढ़िया तरीके से हाँ एक चीज और बता दो क्या मेरी आवाज और मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं क्योंकि बेटा आज मैंने आपके लिए लिए बहुत ही शानदार फोटोज हुए हैं और ये फोटोज आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई भी देंगे तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या मेरी आवाज और मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ कमेंट तो करो फटाफट से बच्चे सबके सब ठीक है सभी को राधे राधे सभी को प्यार और नमस्कार क्या बात है यार ही भाई यहां पे बाढ़ लगा दिए कमेंट की चलो तो बार शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही बेहतरीन बेटा हमारी क्लास होने वाली है चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के साथ ही देखिए बच्चे आपके सामने यहाँ पे जो बम है वो आने वाला है बताइए जल्दी से क्वेश्चन देखिए बेटा पूछा गया है बताइए जल्दी से इनमें से कि राजस्थान की राजस्थान में डैश की संरचना नौ ग्रहों की थीम पर बनी है देखिए हमारे बेटा हम जब बात करते हैं सौर मंडल के बारे में हमारे ब्रह्मांड की बात नहीं करते हम लोग हम सौर मंडल की बात करते हैं विल टॉक अबाउट दी बच्चे यहां पे सोलर सिस्टम ऑफ दी यूनिवर्स तो जिस प्रकार से नौ ग्रह है तो इनमें से बेटा वो कौन सा क्षेत्र है जिसकी संरचना जिसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे नवग्रहों पर आधारित है बताइए जल्द से जैन यहाँ पे एम एम अमित्र की है राज पैलेस की है राजभवन हॉस्पिटल की है या फिर जवाहर कला जवाहर कला केंद्र के राजस्थान में तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन ही पूछा गया देखिए ध्यान से इसका सत्य आंसर के बच्चे यहाँ पे जवाहर कला केंद्र हो जाएगा क्या हो जाएगा पे जवाहर कला केंद्र हो जाएगा देखिए ध्यान से अगर मैं बात करता हूँ जवाहर कला केंद्र के बारे में तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जवाहर कला केंद्र बेटा कहाँ पर स्थित है देखिए तो ये पड़ता है इन स्टेट, आ, इन द द स्टेट स्टेट कैपिटल ऑफ जयपुर मतलब यहां पे राजस्थान की जो स्टेट कैपिटल बेटा वो जयपुर में है गलती से मत करना, गलती से गलती मत मत करना करना से देखो हम जब बात करते हैं तो इसके जो यहाँ पे डिजाइन करता थे मतलब अगर आपसे तो पूछेंगे कि इसके वास्तुकार कौन थे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बेटा बन जाता देखिए वास्तुकार के बारे में सुनो तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे चार्ल्स कोरिया कौन थे यहाँ पे चार्ल्स कोरिया थे और ये जो चार्ल्स कोरिया है इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बन जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके जो डिजाइनर थे बच्चे आर्किटेक्ट थे वो थे यहाँ पे चार्ल्स कोरिया अब मैं जब चार्ल्स कोरिया जी की बात करता हूँ तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई है जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है कौन सी विधानसभा तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है बच्चे वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है लॉजिक सी बात है देखो ध्यान से इसी तरह से हम देखिए जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर देखिए बच्चे एक भवन मिलता है जिसका नाम है भारत भवन और ये भारत भवन कहां पे देखिए बच्चे तो आंसर भोपाल में है तो इसका भी जो यहाँ पे डिजाइन किया गया वो चार्ल्स कोरिया साहब के द्वारा किया गया और चार्ल्स कोरियर साहब ने ही देखिए बच्चे राजस्थान के अंदर जवाहर कला केंद्र बनाया है जो किस पर आधारित है बेटा ये आधारित है, आधारित है किस पे नौ ग्रह की थीम पर यानी कि हमारी जो नाइन प्लेनेट हैं उनकी थीम पर ही आधारित है तो जो विद्यार्थी बेटा इसका आंसर यहाँ पे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था कुछ विद्यार्थी है जो इसका आंसर सही दे पाए थे बेटा आपको पहले क्या ना देखिए आज की जो क्लास होने वाली है बहुत हटके क्लास है और

और आप खुद फील करेंगे कि कितना कुछ यहाँ पे अलग है जो आप यहाँ पे सीख पाएंगे यहाँ पे देख पाएंगे तो बेटा जुड़ जाओ मेरे साथ मैं पहले कह रहा हूं बहुत ही शानदार बहुत ही बेटा क्लास में होने वाली देखिए चलो अब हम देखिए जब चलते हैं नौ ग्रहों के बारे में तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर देखिए बच्चे जो नाइन प्लेनेट हैं उनके उनके संरचना के आधार पर इसको डिजाइन किया गया था तो आप जानते देखिये नवग्रहों के बारे में देखिए बुद्ध है शुक्र है पृथ्वी है चंद्रमा है चंद्रमा प्लैनेट नहीं हटा दो हटा दो दोस्तों मंगल है बृहस्पति है शनि है अरुण है वरुण है अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्ट Uh, in the terms of English. मरकरी वीनस मून मून म्यून क्योंगा बाबर तो मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो अब देखिए बच्चे हमारा ग्रह नहीं है इसे ड्रॉफ प्लैनेट में शामिल कर दिया गया है प्लैनेट की हम बात करते हैं छोटा सा पॉइंट है है ठीक चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बताइए राजा रवि वर्मा भाई साहब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है खतरनाक क्वेश्चन बेटा इसको ध्यान से बताओ हम देखिए जब बात करते हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में तो क्वेश्चन बेटा आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का संबंध यहाँ पे किस क्षेत्र से है देखिए बच्चा ये बताइए जल्दी से तो राजा रवि वर्मा बेटा किस राज्य से थे और किससे फेमस हैं देखिए तो राजा रवि वर्मा का बेटा संबंध यहां पे जो रहा है वो रहा है पेंटिंग से चित्रकारी से क्योंकि हमारा टॉपिक है यही आज का सिंपल सी बात देखिए तो हम जब बात करते हैं तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कौन सा चित्रकारी का है अब राजा रवि वर्मा जी की जब बात करते हैं तो ये है फ्रॉम द स्टेट ऑफ द केरला कहां से फ्रॉम द केरला से है यहाँ पे भारत के केरल राज्य से अब राजा रवि वर्मा के बारे में मैं थोड़ा सा फैक्ट है जो बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से जरा समझे देखो से आपको मैं क्लियर कर दू की राजा रवि वर्मा का बेटा जन्म हुआ था अठारह में देखिए डेट नहीं पूछते सन पूछेंगे आपसे तो अठारह में केरल के अंदर बेटा का जन्म हुआ था और ये भारतीय साहित्य और संस्कृति और यहाँ पे हम जब बात करते हैं पौराणिक कथाएं मतलब हमारे जो महाभारत है हमारी जो रामायण है तो उनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं किसने राजा यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए राजा रवि वर्मा जी के द्वारा तो भारत की साहित्य संस्कृति को उन्होंने बेटा अपनी चित्रकारी से दर्शाया था और ये बहुत ही सुंदर चित्र बनाते थे रामायण महाभारत के और भारतीय संस्कृतियों के आपको मैं क्लिक कर दू कि इनकी चित्रकारी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि नाइनटीन में उस समय बेटा हमारे जो भारत के वायसरा रहा करते थे तो उनका नाम था लाड कर्जन सुनो ध्यान से बच्चे तो यहाँ पे लाड कर्जन इतने प्रभावित हुए इनकी चित्रकारी को देखते हुए जो वॉयस थे लाड कर्जन कि उन्होंने यहाँ पे लाड कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से मतलब ब्रिटिश एम्पर की तरफ से केसर ए हिंद कौन सा पे केसर ए हिंद सुनो ध्यान से तो यहाँ पे केसर ए हिंद की जो उपाधि है क्वेश्चन देखिए पूछेंगे आपसे तो केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो इन्हें समर्पित की थी अब एक बात को और सुनो हम जब बात करते हैं केरल के बारे में बच्चे तो केरल के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे मवेली कार जगह पड़ती है और मविली कार के अंदर इनके नाम पर बहुत ही फेमस देखिए बच्चे यहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया गया जो फाइन आर्ट्स कॉलेज भी है तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बनता है कि राजा रवि वर्मा का संबंध बेटा किस फील्ड से माना जाता है तो इनका संबंध पड़ता है चित्रकारी से और भारत की यहाँ पे पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले बहुत ही फेमस यहाँ पे चित्रकार रह चुके हैं जिनका संबंध केरल से था राजा रवि वर्मा जी और इनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से लॉर्ड कर्जन ने कौन सा पुरस्कार दिया था बच्चे तो आंसर है केसर हिंद का पुरस्कार दिया था ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है गलती मत करना ठीक है सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बच्चे आपको मैं सारी बातें समझा रहा हूँ देखिए अब हम जब बात करते हैं इनकी कुछ फेमस देखिए चित्रकारी है तो अब देख पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृतियों का जो बहुत ही सुंदर वर्णन है बहुत ही सुंदर चित्रण है जो अपनी चित्रकारी में किया है बेटा ये सारे के सारे पेंटिंग्स हैं जो राजा रवि वर्मा जी के द्वारा बनाई गई हैं अब इनमें से एक पेंटिंग बहुत फेमस है जो आपने अक्सर देखी होगी जब यहाँ पे देखिए रावण देखिए बेटा माता सीता का हरण करके ले जाता है तो जटायु के वो पर काट देता है तो जटायु के पर काटते समय ये बहुत ही सुंदर देखिए बेटा चित्रण है जो किया गया है तो ये सारे के सारे चित्र है ये सारे के सारे पेंटिंग्स हैं जिनका निर्माण जिनको बनाया है बच्चे किसने राजा रवि वर्मा ने इसी तरह से कि बेटा भगवान शंकर माता पार्वती का कैलाश पर बहुत ही सुंदर चित्रण है जो इनके द्वारा किया गया सजीव चित्रण लगता है मतलब खुद ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ पे खुद भगवान भगवान शिव जी खड़े होकर अपनी फोटो बनवा रहे हैं तो इस तरह की बेटा पेंटिंग्स की गई थी सोचिए किस समय में उन्नीसवीं शताब्दी में अठारह बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है बहुत बड़ी बातें थी ये अपने समय से बाकी चित्रकारों से बहुत आगे माने जाते थे तो राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस नाम है आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर और उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग बेटा आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपसे इजीजी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ठीक है हाँ देखो बेटा एक चीज बताऊं कि मैं राजा रवि वर्मा जितनी तो अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाता हूं लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पेंटिंग भी ठीक ठाक है यदि आप एप्लीकेशन क्लासेस में आते हो तो थोड़ी बहुत चित्रकारी मैं भी कर लेता हूं आप वहां पर भी देख सकते हैं भविष्य में पता नहीं कभी मुझे कोई पुरस्कार मिल जाए बाकी मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनका जो प्यार है साथी उनका जो यहाँ पे अपनापन है मेरे प्रति यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार भी है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान भी है तो आप जिस भाव से बेटा इस क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं रात के आठ बजे कि यार चलो चलो हरीश भैया की क्लास हो चुकी है बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा गारंटी है देखिए बेटा आपको मैं पहले क्लियर कर दूर मैं यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ ना मैं कोई फालतू बात करने के लिए नहीं आऊंगा मेरा हर दिन यह लक्ष्य रहता है कि आपको मैं एक घंटे के अंदर इतना कुछ नया पढ़ा के जाऊं शायद जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ है ठीक है और मैं पक्का यह मानता हूं कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है यह गारंटी मैं ले सकता हूं मुझे पक्का पता है इस बारे में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भैया बहुत बढ़िया देखिए हम जब बात करते हैं तंजोर चित्रकला शैली के बारे में देखिए बच्चे जो तंजोर चित्रकला शैली है वो यहाँ पे किस राजवंश के शासनकाल में उदय हुई थी बहुत ही बढ़िया देखिए अब आप यहां पे देख पाएंगे बेटा तंजौर चित्रकला के बारे में इस पॉइंट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में देखो समझो देखो आप यहां पे देख पाएंगे कि तंजौर चित्रकला बेटा होती कैसी है ये छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनना देखो बच्चे ध्यान से तो ये देखिए बेटा शुरू हुई थी यहां पर किस में चोला एम्पायर में चोल शासन के समय देखिए तो यहां पर हम जब बात करते हैं तंजौर चित्रकला के बारे में तो इसकी वास्तविक बेटा शुरुआत यहां पे कब हुई थी देखिए तो आंसर है चोला एम्पायर में हुई थी चोला शासन काल में हुई थी अब हम देखिए जब तंजोर चित्रकला की बात करते हैं तो तंजोर चित्रकला के अंदर यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है जो पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा देखिए बच्चे कि तंजोर चित्रकला के अंदर यहाँ पे यूज कैसे करते हैं तो यहाँ पे लकड़ी के ऊपर देखिए बच्चे सुनो तो यहाँ पे लकड़ी है तो लकड़ी के ऊपर यहाँ पे गोल्डन सिल्वर कलर की पेंटिंग की जाती है चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो गोल्डन और सिल्वर कलर की यहाँ पे देखिए यूज ज्यादा करते हैं और इसका देखिए शुरुआत हुई पीछे किस एम्पायर में चोला एम्पायर में आपको चोला एम्पायर नहीं पता मैं बताता हूं देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहां पे सारी सारी बातों को समझोगे बहुत ही बढ़िया देखिए आपको मैं क्लियर कर दू की दक्षिण भारत के अंदर बेटा बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ था जिसका नाम है चोला साम्राज्य

तो आप यहाँ पे एक मंदिर देख पाएंगे बेटा जिसका नाम है ब्रद्धेश्वर मंदिर और मैं सत्य बता दू एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे भारत के अंदर बेटा बहुत सारे अजूबे देखने को मिलते हैं और उन्हीं में से एक अजूबा है जिसका नाम है ब्रद्धेश्वर मंदिर सोचिए आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसी इमारत बनाने वाले हैं जो बिना किसी बेटा नींव के बन सके क्या ये पॉसिबल है और चलो इमारत बना भी देंगे बना भी देंगे क्या ऐसी इमारत पॉसिबल है जो हजार पंद्रह सौ सालों से पे टिकी रहे और बहुत सारे भूकंपों को झेल पाए नहीं पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं क्लिक कर दू देखिए बच्चे यहाँ पे की दक्षिण भारत के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है कौन सा बच्चे बृद्धेश्वर मंदिर और ये मंदिर अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है पहली बात तो बिना किसी नींव के बनने वाला ये मंदिर है और पंद्रह सौ सालों से टिका हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर भैया बहुत ही हजारों टन लाखों की, है जो यहां पे की गई कमल की बात यह है कि इसके आसपास के बिल्कुल क्षेत्रों में बेटा कहीं पर भी ग्रेनाइट नहीं पाई जाती तो सोचो इस तरह के मंदिर चित्रकला है जो देखने को मिलती है दक्षिण भारत में और वहीं पे बेटा बहुत ही फेमस यहाँ पे चित्रकारी फेमस हुई है जिसका नाम है तंजौर

पदम बेटा किस चित्रकला का है दूसरा नाम है तो आंसर है चोल चित्रकला का है सर इसकी विशेषता क्या होती है तो इसमें देखिए बच्चे यहाँ पे वुडन यहाँ पे बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसमें गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्यादा किया जाता है तो आप मेरे पीछे देख पाएंगे बच्चे कि इस चित्रकला के अंदर देखिए भगवान त्रिमूर्ति की भगवान तिरुपति की देखिए फोटो है और हम जब बात करेंगे बच्चे देखिए तो गोल्डन और सिल्वर कलर का जो यूज है वो यहाँ पे ज्यादा किया गया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से दीजिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चलो भैया अच्छा ये बताओ पहले मुझे कॉमेंट के अंदर बेटा सबके सब क्या कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला अभी तक अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला बेटा सुनो ध्यान से बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाला बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली हैं पहले कॉमेंट बताओ कि यहां पे चीजें मिली कि नहीं मिली देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत ही इजी क्वेश्चन है देखो ध्यान से बच्चे मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो बेटा इसका संबंध देखिए बेटा पड़ता है बिहार से और मैं क्लिक कर दूं देखिए बेटा कि बिहार के अंदर यहाँ पे पाया जाने वाला एक जिला भी है यहाँ पे जिला भी है अब हम जब बात करते हैं तो भारत के अंदर देखिए बेटा जो नेपाल बॉर्डर है कौन सा पे नेपाल बॉर्डर का जो इलाका है और इसी पेंटिंग को देखिए बच्चे यहाँ पे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं क्या बोलते हैं मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा तो ये मधुबनी पेंटिंग बेटा बहुत ही फेमस पेंटिंग हो जाती है ये हम चीजें क्या बोलते हैं बेटा तो आंसर मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए अब बिहार के अंदर देखिए बेटा जो सीमावर्ती जिला है जैसे दरभंगा है पूर्णिया है मुजफ्फर है मधुबनी है और नेपाल का जो आसपास का बॉर्डर वाला एरिया है वहां पर पे ये पेंटिंग ज्यादा मात्रा में पाई जाती है अब देखिए ये पेंटिंग बेटा दीवारों पर कैनवास पर यहाँ पे हम जब बात करते हैं बच्चे तो साथ साथ में कागज के ऊपर की जाती है अब एक बात को और सुनो देखो बच्चे ध्यान से ये जो पेंटिंग्स बच्चे ये मुख्यतः वुमेन्स के द्वारा महिलाओं के दौरान बनाई जाती है और इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण दिखाया जाता है मतलब इम्पावर दिखाया जाता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए की खोज कभी थी तो उन्नीस में देखिए बच्चे हुआ क्या था कि दरभंगा जो सॉरी जो मधुबनी पड़ता है बेटा बिहार में वहां पर भूकंप आया तो भूकंप आने से यहाँ पे बहुत सारे घरों की बेटा दीवारें नष्ट हो गई थी तो इसी में एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम है विलियम जी आर्चर नाम सुना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं बता देता हूँ देखिए तो यहाँ पे एक अंग्रेजी अधिकारी बेटा हुआ करते थे विलियम जी आर्चर कौन थे विलियम जी आर्चर एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे तो विलियम जी आर्चर ने देखिए बच्चे सबसे पहले इसकी खोज की है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन के अंदर कि यहाँ पे इसकी खोज किस वर्ष में बेटा हुई थी तो आंसर है उन्नीस में कहां पर किसने के द्वारा की गई थी तो आंसर है विलियम जी आर्चर ने की थी गलती मत करना अब आप मेरे पीछे देख पाएंगे देखिए बच्चे ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं तो विशेषता महिलाओं के द्वारा बच्चे ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स का निर्माण किया जाता है और इसके अंदर देखिए बेटा महिलाओं के बारे में देखिए बहुत अच्छी तरह से दिखाया भी जाता है मतलब हम जब बात करते हैं तो महिलाओं का जो शक्ति प्रदर्शन है जिसे महिला सशक्तिकरण भी कहते हैं, बोलते हैं तो वो आप यहाँ पे बच्चे हम जब बात करते हैं तो इसकी इनको इस पेंटिंग्स में दिखाते भी हैं तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स में एक है बच्चे जिसे बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग क्या बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की पूरा पूछा गया कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में मिथिला में देखिए वो जानकी वाला क्षेत्र है माता सीता का क्षेत्र है देखिये साथियों तो बिहार और यहाँ पे नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप हुआ है देखिए बच्चे तो यहाँ पे जो यूज हुआ देखिए वो कौन सी पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग है सेम क्वेश्चन है बस पूछने का बेटा जो तरीका वो बदल दिया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

तो कागज और कपड़े के ऊपर माता काली और उनकी जुड़ी शक्तियों का बहुत ही सुंदर जो प्रदर्शन है वो किया जाता है और इसका संबंध बेटा जो पड़ता है वो पड़ता है कहां से कलकत्ता से पड़ता है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा गलती मत कीजिएगा तो इसे कालीघाट वाली पेंटिंग्स बोलते हैं जिसका मुख्य जो विकास हुआ था वो कहां से हुआ था वेस्ट बंगाल से हुआ था यह फैक्ट आप यहाँ पे समझ पाएंगे तो सत्य आंसर देखिए यहाँ पे क्या है तो आंसर है बी कलकत्ता हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही बढ़िया बताओ जल्दी से यहाँ तक की बात पूरी क्लियर की नहीं है क्लियर है सारी बातें देखिए आप इस पेंटिंग्स को देख पाएंगे देखिए तो बेटा ये कालीघाट की पेंटिंग्स हैं देखिए जिसमें माता शक्ति और माता शक्ति से संबंधित जो उनके देखिए बहुत सारे रूप हैं उनके जो बहुत सारे रूप हैं बच्चे उनका शक्ति प्रदर्शन किया जाता है शक्ति का दर्शाया जाता है तो ये जो पेंटिंग से बेसिकली कागज पर बनती है या फिर कपड़े पे बनाई जाती है कौन सी बेटा यहाँ पे कालीघाट पेंटिंग दिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलने से पहले बताना चाहता हूं यदि बेटा आप हमारे बहुत शानदार फाउंडेशन बैच में जुड़कर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़िए जिसमें आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से साइंस पढ़ा रहा हूं और इसी तरह से यदि आप बेटा यहाँ पे जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे जीके फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं जहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही कंसेप्चुअली मतलब ये सोच के मांग के चलिए यदि मैं आपको यूट्यूब पर बेटा इतना सारा कुछ नया दे सकता हूं तो आपको कितना कुछ है जो नया देखने को मिलेगा एप्लीकेशन क्लासेस में तो भरोसा रखिए इस भाई पर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है एप्लीकेशन पर तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बहुत ही शानदार जीके फाउंडेशन बैच में जो हमारा आधा फाउंडेशन बैच चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से ओहो भाई साहब बताओ जल्दी से लिखे बच्चे यहाँ पर फड़ नामक बेटा एक राजस्थानी चित्रकला शैली है तो ये चित्रकारी का कौन सा रूप है बताओ जल्दी से लिखे बच्चे जनजाति है यहाँ पे सेंशुअल है कामुक है धार्मिक है या संगीता संगेत, संगीतामा यहाँ पे संगीता संगीतामात्मक है यानी कि म्यूजिकल है बताओ जल्दी से बेटा सबके सब आंसर क्या है इसका मैं देखना चाहता हूं मेरे कितने छोटे भाई बहन बेटा इसका जो आंसर मुझे देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्राइबल कोई बच्चे ट्राइबल बोलेंगे बेटा सेंशुअल जो रूप मिलता है वो मिलता है खजुराहो में कहा मिलता है खजुराहो में मिलता है तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा ठीक है सिंपल सी बात है कहां पड़ता है मध्य प्रदेश में मिलता है ठीक है जनजाति बिल्कुल नहीं है क्योंकि गौंडी चित्रकला होती है वो हम जब बात करते हैं तो बेटा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा ट्राइबल हो जाएगा देखिए सी सॉरी सी यहाँ पे रिलीजियस हो जाएगा ये छोटा सा फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा तो आंसर देखिए बच्चे यहाँ पे सी हो जाएगा ठीक है चलिए बेटा मैं एक मिनट के अंदर आया हूं मेरी बैटरी यहां पे खत्म होने वाली है वरना मेरी आवाज चली जाएगी फिर आप परेशान हो जाएंगे मैं एक मिनट के अंदर वापस आता हूं ठीक है देखिए बालक अब हम देखिए जब बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में छोटे से पॉइंट को जरा समझना बहुत अच्छी तरीके से देखिए मैं आपको सारी सारी बातें हैं जो बता रहा हूं देखिए बच्चे ध्यान से सुनो हम देखिए जब बात करते हैं इस पेंटिंग के बारे में इस पेंटिंग के बच्चे देखिए तो हम जब बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो राजस्थान के अंदर के बच्चे यहाँ पे एक इलाका मिलता है जिसको बोलते हैं भीलवाड़ा क्या बोलते हैं भीलवाड़ा बोलते हैं सुनो देखो आंसर तो राजस्थान के अंदर देखिए बड़ा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है कौन सा पे भीलवाड़ा का क्षेत्र है तो वहां पर देखिए बच्चे यहां पे इनके लोकल देवी देवता मिलते हैं तो उनमें देखिए बच्चे एक देवता है जिसका नाम है देव नारायण कौन यहाँ ना पे देव नारायण है कौन यहाँ पे देव नारायण है छोटा सा पॉइंट यहां पे समझिए देखिए तो देव नारायण की बात करते हैं और यहां पे देखिए बेटा मिलते हैं पापू जी कौन मिलते हैं पाबू जी मिलते हैं छोटा सा पॉइंट ना, ना, यहां पे समझो ठीक है छोटा सा पॉइंट बेटा एक मिनट के अंदर मैं वापस आ रहा हूं प्लीज

तो ये जो चित्रकारी है बच्चे ये धार्मिक चित्रकारी है रिलीजियस चित्रकारी है इसमें गलती मत कीजिएगा अच्छा फैक्ट है जो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछेंगे आप यहां पे सारी सारी बातों को समझ सकते हैं चलिए देखिए, ये फैक्ट बेटा क्लियर है सारी बातें चलो बताओ जल्दी से चलिए बच्चे देखिए बच्चे यहां तक की बात पूरी क्लियर की नहीं है जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर क्लियर सारी बातें बच्चे जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से अरे तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो अरे जल्दी बताओ फटाफट से ठीक है देखो बच्चे तो हम जब बात करते देखिए तो ये पेंटिंग्स हैं जब कोई इस प्रकार से नजर आने वाली वाले बेटा जो फड पेंटिंग्स हैं तो जो फड पेंटिंग्स बेसिकली की देखिए बच्चे तो ये राजस्थान की बहुत ही फेमस पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है गलती मत करना ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से से बच्चे आ जाओ आंसर 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 दो ये बहुत बढ़िया बताओ जल्दी से क्या होने वाला देखिए कि घरों के बाहर फर्श को सजाने की जो कला होती है इनमें से किस शैली का उपयोग किया जाता है बताओ जल्दी से तो हम देखिए बेटा जो घरों के बाहर सुनो देखो तो जो घरों के बाहर बेटा फर्श को सजाते हैं क्या करते हैं फर्श को सजाते हैं तो इसके लिए देखिए बच्चे किस शैली का उपयोग यहाँ पे किया जाता है किसका हम यूज करते हैं मधुबनी का कोलम का वारली का या मेहंदी का अब मैं देखना चाहता हूं तो इसका आंसर क्या होगा देखिए बच्चे सुनो अगर आप मधुबनी कहते हैं तो मधुबनी बेटा पेंटिंग है जो गलत आंसर है तो यहाँ पे बेटा देखिए जो आप रंगोली बनाते हैं ना घरों के बाहर घरों के बाहर हम जो रंगोली टाइप का बनाते हैं बेटा ये एक्चू में देखा जाए तो एक शैली है ये क्या यहाँ पे शैली है और इसका सही आंसर बच्चे यहां पे कोलम हो जाएगा क्यों जब पे कोलम हो जाएगा गलती मत करना देखिए तो यहाँ पे जो सत्य आंसर बेटा वो कोलम होगा तो कोलम इज द राइट आंसर जो बच्चे हमारे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं देखिए बच्चे तो यहाँ पे जिनका आंसर बी आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे बी है कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो आंसर सी बोलने वाले भी है तो तुक्का तो मारेंगे सही बात है हमारा तुक्का मारे बिना काम चलेगा नहीं बेटा कोमल नहीं होता देखो अब कुछ बच्चे से कोमल पढ़ेंगे कोमल बेटा कोमल नहीं है बस हर जगह तो पे फालतू बातें नजर आती हैं बेटा इसे कोलम बोलते हैं क्या बोलते हैं कोलम हाँ हो सकता है देखिए सिंपल सी बात है जैसे लड़की लकड़ी में अंतर नहीं है है ना वैसे लकड़ी लड़की एक ही बात है मतलब दोनों एक जैसी होती है ऐसे ऐसे खाने पीने के मामले में तो है ना चलो देखो भैया मैं किसी प्रकार से देखो बेटा किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर रहा हूँ वरना तो मेरे पे इल्जाम लगा दो भैया आप तो भैया भेदभाव करने वाले व्यक्तियों में से एक हो मैं मजाक कर रहा हूं छोटे भाई बहन है भैया मजाक कर सकता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखिए तो हम जब बात करते हैं कोलम के बारे में तो कोलम को जरा समझिएगा अच्छे तरीके से फैक्ट यहाँ पे समझिए देखिए हम जब बात करते हैं कोलम के बारे में और बातें समझ नहीं दिखे कोलम बेटा यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये बनता है कि कोलम की हम जब बात करते हैं तो कोलम यहाँ पे घरों के बाहर की जाने वाली चित्रकारी होती है जो दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु राज्य से बनती है और बेसिकली इसमें चौक हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है ठीक है छोटा सा पॉइंट है देखिए आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जल्दी से देखिए थांका चित्रकला बताओ जल्दी से थांका चित्रकला देखिए बेटा तो थांका चित्रकला के अंदर रेशम के बने कपड़ों पर भगवान किस भगवान की बेटा देखिए जो चित्र है वो बने होते हैं महावीर के बुद्ध के शिव के विष्णु के मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने विद्यार्थी मुझे देते हैं देखिए जो आंसर बेटा महावीर करेंगे आंसर गलत है इसका सही आंसर बच्चे देखिए भगवान बुद्ध हो जाएगा क्या हो जाएगा भगवान बुद्ध हो जाएगा सुनो देखो से थांका चित्रकला की बात करते हैं तो थांका चित्रकला बेटा बेसिकली जो फेमस है वो फेमस है स्टेट ऑफ सिक्किम कहां पे स्टेट ऑफ सिक्किम में फेमस है देखिए तो ये आजकल सबसे ज्यादा कहां मिलती है कि बच्चे सिक्किम में देखने को मिलती है इसके अलावा देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे तो यहां पे नेपाल और यहां पे तिब्बत कहां पर नेपाल तिब्बत और भारत का जो देखिए बेटा लद्दाख है कौन सा लद्दाख और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश तो ये भारत की कुछ स्टेट है लेकिन को को सबसे ज्यादा बेटा कहां कहां पर पर फेमस 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 तो ये फेमस है सिक्किम में फेमस है अब यहां पे जरा समझिएगा छोटे से बात देखिए तो थानका चित्रकला के अंदर यहाँ पे तिब्बती धर्म संस्कृति मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित जो धर्म संस्कृति है उनकी कहानियां हैं उनके जो दार्शनिक मूल्य होते हैं मतलब उनकी जो यहाँ पे सीख है उनके जो सीख होती है उनको यहाँ पे देखिए दर्शाया जाता है चित्रकला के माध्यम से तो भगवान बुद्ध के द्वारा देखिए बेटा जो हमें सीख दी गई है रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वो सारे के सारे के चित्रकला में दिखाए जाते हैं और इस चित्रकला को हम क्या बोलते हैं थांका चित्रकला भी बोलते हैं गलती मत करना तो इसमें देखिए बेटा बेसिकली जो रेशम का कपड़ा होता है उसमें भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा बच्चे जो यहाँ पे बहुत सारे आदेश दिए गए थे उनके चित्र होते हैं इसके अलावा जो दलाई लामा है दलाई लामा मतलब सर्वोच्च पद है धर्मगुरु की तो धर्मगुरु के जो सर्वोच्च पद है दलाई लामा उनके भी यहाँ पे चित्रों का जो वर्णन मिलता है वो थाांका चित्रकला में देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए देखिए बन जाएगा आप यहाँ पे देख पाएंगे तो भगवान बुद्ध से संबंधित यहां पे बहुत सारी चित्रकला को यहाँ पे देखिए दिखाया गया बच्चे किसके अंदर तो थाांका चित्रकला में दिखाते हैं और ये बेसिकली कहां पर है बच्चे तो ये मिलता है इन द स्टेट ऑफ यहाँ पे सिक्किम और भारत के अंदर की हम जब बात करते हैं तो सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश है लद्दाख है नेपाल हो गया देखिए पड़ोसी हमारा और साथ ही साथ तिब्बत जो कहना कि चाइना के पास चला गया गलती से गलती से क्या मतलब चला गया देखिए यहां तक बाते की बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर अच्छा एक चीज मुझे जाननी है अपने छोटे भाई बहनों से सबके सब बेटा जल्दी से ये बताओ मुझे कितना कुछ नया सीखने को मिला आज कितना कुछ नया सीखने को मिला जरा ये बताओ मुझे मैं ये मानता हूं कि ये टॉपिक बेटा पूरा का पूरा नया होगा और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्चुअली सारी बातें पढ़ाने का तो जल्दी बताओ बेटा कितना कुछ नया सीखने को मिला एक वो कॉमेंट करो सबके सब मैं देखना चाहता हूं कितना कुछ नया सीखने को मिला है बेटा आप लोगों को आज ठीक है देखो भैया नेक्स्ट आते हैं देखिए बच्चे हमारे क्वेश्चन पर जिसका नाम है राजस्थान के अंदर बड़ा कौन सा समुदाय है जो पिछले तीन शताब्दियों से यहां पे ब्लॉक प्रिंटिंग कौन से बच्चे ब्लॉक प्रिंटिंग को देखिए काम को जारी रखा है अब हम देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग के काम को बेटा जारी रखने वाली कौन सी यहाँ पे देखिए समुदाय की बात करते हैं तो खतरी है छिप्पा है विष्णोई है या खट्टीक जनजाति है अब हम देखिए जब बात करते हैं बेटा इस छोटे से पॉइंट के बारे में तो इसका सत्य आंसर देखिए बच्चे यहाँ पे खटीक नहीं पे होगा बेटा आंसर यहाँ पे छिप्पा होगा क्या छिप्पा होगा देखिए तो छिप्पा मतलब छापने वाला सुनो देखो बच्चे तो छिप्पा समुदायों के लोग हैं जो यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं अब ब्लॉक प्रिंटिंग का बेटा मतलब ये होता है कि, कि यहाँ पे कपड़े के ऊपर इस प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं और इन खांचों के ऊपर देखिए बच्चे इनसे प्रिंटिंग की जाती है और ये बहुत ही शानदार काम है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पे किया जा रहा है देखिए छोटा सा पॉइंट है तो इसका सत्य आंसर बच्चे यहाँ पे छिपा हो जाएगा आप देख पाएंगे बच्चे कि किस प्रकार से यहाँ पे देखिए लकड़ी के खांचों के द्वारा लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कपड़े पे बड़ा प्रिंटिंग की जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं जो छिप्पा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है और ये काफी लंबे समय तक पुश्तैनी काम है जो किए जा रहे हैं हम क्या बोलते हैं छिप्पा पेंटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं छिप्पा पेंटिंग बोलते हैं तो ये पुरातन बेटा बुनकर है, बुरा पुरातन पुराने जमाने की बुनकर है जो अपनी पीढ़ी पीढ़ी से पीड़ी, यहां पे बेटा अपनी चीजों को बढ़ाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भैया है, बताइए जल्दी से वारली चित्रकला बेटा किस राज्य की यहाँ पे लोक चित्रकला है देखिये वारली आपकी हम जब बात करते हैं वारली चित्रकला के बारे में फेमस क्यों है देखिए ध्यान से बच्चे घरों की दीवारों पर इस तरह की आदिवासी चित्रकला देखने को मिलेगी जिसे हम ट्राइबल चित्रकला बोलते हैं तो वारली चित्रकला बेटा एक प्रकार की आदिवासी चित्रकला है जो देखने को मिलेगी और ये चित्रकला बेटा देखने को मिलती है वारली समुदाय के द्वारा वारली ट्राइब्स के द्वारा जो बेसिकली जनजातीय चित्रकला है और ये बेटा कहा मिलती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मिलती है एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे देखिए बच्चे कि महाराष्ट्र के अंदर जो वार्ली जनजाति के लोग रहते हैं वो यहाँ पे अपने घरों की दीवारों पर बेटा इस तरह की चित्रकारी करते हैं इसे बोलते हैं वाली चित्रकला अगर मैं देखिए बेटा मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे मिलती है गौंड चित्रकला कौन सी गौंड चित्रकला है गुजरात के अंदर बच्चे इसी प्रकार से भील चित्रकला को देखने को मिलेगी गलती मत करना और राजस्थान के अंदर बेटा बहुत सारी चित्रकला है जिसमें भील है और हम जब बात करते हैं तो अन्य चित्रकला को देखने को मिल सकती है देखिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो वॉल पेंटिंग्स है बेसिकली जो वाली है आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से वार्ली के जो ट्राइफ्स

हमारे छोर से कम है क्या लेकिन हम जब बात करेंगे बच्चे ठीक है तो अब मैं ये बोलता हूँ कि हमारी छोरे हमारी छोरियों से कम है क्या चलो बताओ जल्दी से आंसर होने वाला बहुत ही बढ़िया से हम देखिए जब बात करते हैं बेटा लखनऊ के अंदर यहाँ पे वो कौन सी पारंपरिक कला है जो कढ़ाई के लिए फेमस है कढ़ाई मतलब खाने वाली कढ़ाई नहीं मतलब कपड़ों पे की जाने वाली बेटा कारीगरी और इसे बोलते हैं चिकनकारी क्या बोलते हैं चिकनकारी बेटा देखिए तो चिकनकारी यहाँ पे किसी खाने वाली बेटा डिश का नाम नहीं है आपको मैं छोटा सा पॉइंट क्लिक कर दूं कि आजकल यहाँ पे ये ड्रेस बहुत चल रही है चिकनकारी कुर्ता तो लखनऊ का बेटा बहुत ही सुंदर एक काम है जिसे हम चिकनकारी कुर्ता बोलते हैं या चिकनकारी बोलते हैं तो चिकनकारी बेटा देखिए कपड़ों पर की जाने वाली एक बहुत ही फेमस कारीगरी है बुनकरों के द्वारा की जाती है और ये जी आई प्राप्त कर चुकी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यह प्राप्त कर चुकी है ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिए ठीक है देखो ध्यान से बच्चे तो हम जब बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में इन सभी पॉइंट्स को पहले समझो देखो बच्चे ध्यान से अब मैं आपको जब चिकनकारी के बारे में छोटा सा कंसेप्ट है जो बताता हूँ इस छोटे से पॉइंट को जरा समझ बेटा फुलहारी की बात करते हैं फुलहारी किस स्टेट से देखिए बेटा पड़ता है क्वेश्चन बन सकता है बेटा फुलहारी पड़ती है पंजाब में कहां पे पड़ती है बेटा पंजाब की है सुनो देखो तो पंजाब के अंदर जो कड़ाई की जाती है मतलब जो काम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा तो आंसर है फुलहारी बोलते हैं अगर मैं कांथा की बात करता हूँ कांथा बेटा कांथा फेमस है कांथा देखिए पश्चिम बंगाल का फेमस है पेच वर्क की बात करते हैं तो पेच वर्क देखिए नॉर्मल किया जाने वाला वर्क होता है गलती मत करना देखिए तो इसका सत्य आंसर बेटा चिकनकारी हो जाएगा अब एक बात को और सुनो चिकनकारी के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि यहाँ पे देखिए बेटा जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी नूरजहां तो नूरजहां देखिए बेटा एक बार ईरान गई थी और ईरान के अंदर उन्होंने ये जो कारीगरी देखी और ये कारीगरी वो हिंदुस्तान लेके आई तो वास्तव में पूछा जाएगा आपसे कि चिकनकारी करी यहाँ पे भारत में देखिए बेटा फेमस करने वाली महिला कौन है तो आंसर है नूरजहां है किसकी देखिए बेटा पत्नी मानी गई है तो हम जब बात करते हैं छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखिए बच्चे तो आंसर है नूरजहां है किसकी जहांगीर की पत्नी है ये फैक्ट आप देखिए बच्चे सुनो हम जब बात करते हैं बेटा इसका नाम चिकन करी नहीं है तो ये चिकनकारी है अब आप में से बहुत से खाने पीने वाले लोग होंगे है ना जो खाना पीना करते रहते हैं बेटा उनके लिए चिकनकारी हो जाएगा बेटा चिकन करी नहीं

और ये जितने भी नाचने गाने वाले हैं रील बनाने वाले हैं समझो ठमक ठमक के हाँ, जो बना रहे हैं इनको बेटा घोषित करने देना चाहिए वायरस ये वायरस है जो फैला जा रहे हैं अब आपके परिवार में ना जाने ऐसे कितने वायरस होंगे सिंपल सी बात है है ना चलो आ जाओ भैया तो ये महामारी होनी चाहिए देखो आ जाओ भैया चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए यहां तक की बात पूरी क्लियर है गलती मत करना आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा म्यूरल पेंटिंग्स में अच्छा म्यूरल पेंटिंग्स का बेटा भारत में विकास यहाँ पे कब से कब तक हुआ है देखिये बेटा म्यूरल पेंटिंग्स हमारे भारत की सबसे पुरानी पेंटिंग्स है इस छोटे से बात को जरा समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए बन जाता है तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भारत में बेटा देखिए दूसरी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक देखिए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मतलब बिफोर सेंचुरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दसवीं शताब्दी तक यहाँ पे विकास हुआ किसका बेटा म्यूरल पेंटिंग्स का सर इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ बेटा छोटा सा मतलब देखिए ध्यान से कि हमारे आदि मानव के द्वारा सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पे नेचर को जिस रूप में लाने की कोशिश की गई थी उसे बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग मतलब यहाँ पे आदमी मानवों के द्वारा या हमारे जो पुरा पुरा हमारे देखिए बेटा जो पूर्वज हुआ करते थे तो उन्होंने दीवारों पर देखिए जिस तरह से पेंटिंग करना शुरू कर दिया बच्चे उसे क्या बोलते हैं हम लोग तो बेसिकली म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट ये बताना चाहता हूं देखिए कि म्यूरल पेंटिंग का बेटा विकास हुआ है और इन पेंटिंग्स के अंदर देखिए बेटा यहाँ पे चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, था ताकि ये बहुत अच्छी तरह से नजर आए आपको एक बात और क्लिक कर दूं कि यहाँ पे हमारे हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले देखिए बेटा दीवारों पर जिस तरह के पेंटिंग्स को बनाया है इसमें देखिए चटक रंगों का इस्तेमाल किया गया गहरे रंगों का इस्तेमाल किया गया जो बहुत बहुत आसानी से नहीं छूटते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं क्या बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं आपको मैं क्लिक कर दूं देखिए बच्चे ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं और इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर हम जब बात करते हैं बच्चे तो मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे धार की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर देखिए बेटा धार जिले में यहाँ पे बाकी गुफाएं मिलती हैं एमपी के अंदर और ये देखिए बच्चे हमारा कौन सा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं तो इन गुफाओं के ऊपर भी देखिए बच्चे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जिसमें चटक रंगों का चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो पेंटिंग्स है ना बच्चे इन पेंटिंग्स को बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग्स क्या बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग्स बोलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे द लास्ट सपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चे मैंने ये क्वेश्चन ना अक्सर बहुत बार रिपीट होते देखा है जब मैं बेटा ये पीडीएफ देख रहा था ना आपकी तो ये पीडीएफ मैंने जब देखी तो मैंने देखा कि एस एस सी ने ना जाने कितने बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है देखिए द लास्ट सपर आइए देखिए ध्यान से द लास्ट सपर बेटा बहुत ही फेमस यहाँ पे पेंटिंग है जो किसके द्वारा बनाई गई है यहां पे क्लाद मोने हैं मोजार्ट हैं, माइकल एंजोले हैं या लियांद्रो दा विंची है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस विद्यार्थी को इसका आंसर नहीं पता मैं बता दूं देखिए बच्चे इसका आंसर इसका आंसर है लियानो दा विंची देखिए लियानाद्रो दा विंची बहुत ही फेमस व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं अब एक छोटे से पॉइंट को जरा समझिए देखिए ध्यान से हम जब बात करते हैं तो पंद्रहवीं शताब्दी की बात चल रही है मेरे ख्याल से तो पंद्रहवीं शताब्दी के अंदर लियानाद्रो दा विंची के द्वारा बेटा इस जो पेंटिंग को बनाया जाता है ये पेंटिंग अभी कहाँ पर है देखिए तो मैं बता दू देखिए बेटा इटली के अंदर इटली में है ना इटली में ही पड़ता है देखो जो भी है तो हम जब देखिए बेटा बात करते हैं तो एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मिलान चलो तो बालको मेरी आवाज प्रॉपरली गई होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे जरा समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से देखो समझो देखो बहुत ही बढ़िया देखिए हाँ तो मैं ये बता रहा था कि बच्चे कि हम जब बात करते हैं लास्ट लास्टर के बारे में तो लियानाद्रो दिं के द्वारा जो पेंटिंग है वो बनाई गई थी ये है कहाँ पर तो मिलान शहर के अंदर बेटा बहुत ही फेमस एक चर्च मिलता है कौन सा सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च है और उस चर्च की दीवार पर बेटा ये पेंटिंग है जो बनी है। इस पेंटिंग में देख पाएंगे कि किस प्रकार से इस पेंटिंग के अंदर बेटा देखिए देख पाएंगे हम लोग कि किस प्रकार से ईसा मसीह यहां पे अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ देखिए बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक डिनर कर रहे हैं खाना खा रहे हैं और इसी को देखिए नाम दिया गया द लास्ट सफर क्या बोलते हैं लास्ट सफर आज भी मैं बता दूं कि विश्व के बहुत सारे पेंटर्स हैं जो इसको स्टडी करने के लिए आते हैं मतलब वो यहां गहराइयां छुपी हुई हैं तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन में देखिए बेटा तो ये लास्ट सब पेंटिंग की छोटी सी प्रतिलिपि है जो आप देख पाएंगे अगर मैं बात करता हूं द विंची के बारे में बच्चे तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है क्यों द विंची के द्वारा बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई गई जो बहुत ही रहस्यमय मानी जाती है अपने जमाने की और बेटा उसका नाम है द मोनालीजा क्या नाम है मोनालीजा तो गलती बात करना तो मोनालिजा बेटा किसकी पेंटिंग है तो ये पेंटिंग है लियोनार्दो द विंची की ये पेंटिंग पीछे कौन सी मोनालिजा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से बहुत ही बढ़िया देखिए हम बात करते हैं चेरियल चित्रकला के बारे में बेटा तो जो चेरियल चित्रकला है चेरियल चित्रकला है देखिए बच्चे वो कहाँ की फेमस है कहाँ के बड़ा फेमस है देखिये तो चेरियल चित्रकला बेटा फेमस है आंध्र प्रदेश की कहा की फेमस है आंध्र प्रदेश की है सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में गलती मत करना बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखिए ध्यान से अब बेटा यहाँ पे ना कुछ चित्रकला के नाम दिए गए हैं क्या क्या नाम दिए गए देखो ध्यान से बच्चे सुनो आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना होगा बेटा सुनो मैंने गलती कर दी क्या रुको 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 बेटा आंध्र प्रदेश नहीं है रुको रोक आंध्र प्रदेश नहीं है चेरियल का आंसर यहाँ पे तेलंगाना है क्या देखिए तेलंगाना इज द राइट आंसर सॉरी 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 बेटा मैं ध्यान नहीं रहा था आंध्र प्रदेश नहीं होगा जो विद्यार्थी आंध्र प्रदेश देंगे बेटा आंसर आंसर पे गलत हो जाएगा तेलंगाना है है क्या आंसर तेलंगाना तो बेटा की फेमस फेमस है आ, ये फेमस है तेलंगाना ये की अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है उनको देखो ध्यान से अगर हम बात करते हैं चित्रकला के बारे में तो मधुबनी बेटा कहां फेमस है बिहार की वर्दी कहा की फेमस है महाराष्ट्र की पट्ट चित्रकला बेटा कहाँ की फेमस है देखिए ओडिशा की है कि यहाँ पे कलमकारी आंध्र प्रदेश की है गोंड कहा की बेटा मध्य प्रदेश की है यहाँ पे हम देखिए जब बात करते हैं फड़ कहां पर है राजस्थान में है और कालीघाट कहां पर है पश्चिम बंगाल में है चलिए अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है बताइए जल्दी से कि फुलहारी इनमें से किस राज्य की बेटा फेमस यहाँ पे चित्रकला कढ़ाई है आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में कीजिएगा यहां मत करना बेटा कॉमेंट सेक्शन में करना अब आपको कॉमेंट सेक्शन में बेटा दो काम करने हैं सुनो सबके साथ देखो आज की क्लास के अंदर मजा आया कि नहीं आया पहली बात ये बताना और कितना कुछ नया सीखने को मिला ये बताना बैया देखो ये, ये टॉपिक बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर यूट्यूब पर लोग पढ़ाने से बचते हैं लेकिन मैंने छोटे भाई बहनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली ये सारी सारी बातें बहुत डिटेल से बताई हैं और उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो हमारी प्यारी सी मेहनत है पसंद आई होगी तो इन सभी बातों से बच्चे मैं आपसे लेता हूं विदा और बस ये कहना चाहता हूँ देखिए बच्चे की भविष्य का निर्माण करता है आपकी आज की आदतें तो भविष्य में होने वाली एग्जाम्स के लिए आज को आपको आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा और इस तरह से पढ़िए साथियों इस तरह से से पढ़िए कि तुम्हें दोबारा कभी चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े बेटा आपको मैं पहले कर दूं कि मैंने एसएससी में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सब, के सब करा दिए इसमें इतने ही क्वेश्चन इतने ही कंसेप्ट बनते हैं बाकी आपको मैं बहुत डिटेल से देखिए बच्चे बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो आपको बेटा फालतू कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है आपके भाई को पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जितना पढ़ाऊंगा सटीक पढ़ाऊंगा मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा तो बेटा आप हमारे रेलवे बैच की तैयारी करने के लिए या रेलवे की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे बैच के अंदर और इसी तरह से बच्चे देखिए एस एस सी के साथ तैयारी कीजिए एक बहुत ही शानदार बैच में जो हमारा एस आरबी बैच है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पर कौन सा तो आंसर है हमारा हुंकार हंकार जुड़ी बैच तो साथियों उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे हमें यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं तो इन सभी बातों से बच्चे मैं आपसे लेता हूं विदा हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से और इस क्लास की बेटा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास के बाद अपलोड करवा दी जाएगी तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेटा रहेगा मुझे इंतजार तो इन सभी बच्चे इन सभी बातों से मैं आपका अपना हिश तिवारी आपका बड़ा भाई आपसे लेता हूं विदा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत राधे राधे